हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। कल से हमने 2 दिन सिलेबस पर डिस्कस कर लिया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप पूरे सिलेबस को देखिए, पूरा बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को जब आपको फ्री में दिया जाए तो उसका सम्मान करिए, उसको पढ़िए, उसको शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि संविधान क्या होता है। ठीक है, अगर प्रश्न है कि संविधान क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा कि संविधान संविधान एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। ठीक है, या चलाया जाता है। नोट कर लीजिए, अगर प्रश्न आए कि संविधान क्या होता है तो संविधान एक ऐसी विधि है, विधि मतलब एक कानून है ना। संविधान क्या है, एक ऐसी विधि है, विधि मतलब कानून है, जिसके द्वारा मतलब कि संविधान के द्वारा है ना, जिसके द्वारा पूरे राज्यों का शासन, ठीक है, पूरे राज्यों का शासन संगठित होता है या चलाया जाता है। आपने सिलेबस पढ़ा, आपने पढ़ा कि आपको सिलेबस में राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, संविधान में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक है, मतलब संविधान से सर्वोच्च भारत में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि प्रश्न आए कि संविधान क्या होता है तो बहुत परेशान नहीं होना, इतना लिख दीजिए कि संविधान एक विधि है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पूरे राज्यों का शासन संगठित होता है या चलाया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे अगला पॉइंट उसी के आगे, पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व के संविधान की जननी किस देश के संविधान को कहते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर देश के संविधान पर ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव पड़ा है, इसीलिए पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। अब आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है, पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। ठीक है, क्या लिखा, पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने। ठीक है, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा। अगर प्रश्न आए कि पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। ठीक है, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, श्री प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा था, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और इन्होंने इंग्लिश भाषा में, किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था। वर्तमान में कई लैंग्वेज में संविधान को प्रकाशित किया गया है लिख के, लेकिन जो मेनली लिखा गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, लगभग 1,39,000 शब्दों में लिखा गया। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि रायजादा जी ने कितने शब्दों में लिखा, तो लगभग 1,39,000 शब्दों में लिखा गया। दूसरी बात यही है कि रायजादा जी ने लिखाई का एक भी पैसा नहीं लिया, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि भाई हमारी शर्त है
कि मतलब हमें केवल इतना चाहिए कि जो संविधान का अंतिम पेज है, अंतिम पेज पे अपने दादा का नाम लिखेंगे, बाकी कोई भी पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, तो श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। अगर प्रश्न आए कि संविधान के फादर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा, हमने गलती से बोल दिया, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जनक अलग हो गए, इन्होंने कोई लिखा था, इनको पूरा पका पका खाना मिल गया कि भैया आप खा लीजिए। ठीक है, तो पहला आप ये याद रखिएगा, संविधान क्या है? संविधान एक विधि है, एक ऐसी विधि है जिसका जिसके द्वारा राज्यों का शासन चलता है। पूरे संविधान को अपने हाथों से अंग्रेजी भाषा में प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व के संविधान की जननी, जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, भारत के संविधान को लगभग 139,000 शब्दों में लिखा गया। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि भारत के संविधान को कितने शब्दों में लिखा गया, तो देखिए एग्जैक्ट नहीं है, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमने लिखा लगभग 139,000 शब्दों में लिखा गया पूरे संविधान को अपने हाथों से, है ना। जबकि उसी के आगे, जबकि मोनाको के संविधान को, मोनाको के संविधान को, मोनाको के संविधान को लगभग 3814 शब्दों में लिखा गया। ठीक है, मोनाको के संविधान को कितने शब्दों में लिखा गया? लगभग 3814 शब्दों में लिखा गया, जबकि अमेरिका के संविधान को 4500 शब्दों में लिखा गया। एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जब आपसे बोला करें, है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा नोट्स बनाइए। कोई भी पेपर आप देंगे, आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बस नोट्स बनाते रहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब फिर से हम पूछें आपसे, अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि संविधान क्या है, तो संविधान एक विधि है, संविधान एक कानून है। कैसा कानून? जिसके द्वारा पूरे राज्यों का शासन चलता है। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। पूरे संविधान को लगभग 139,000 शब्दों में लिखा गया, जबकि मोनाको के संविधान को 3814 शब्दों में लिखा गया, और अमेरिका के संविधान को लगभग 4500 शब्दों में लिखा गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया ना, अब आगे समझ लीजिए। आगे चलिए, अब आगे समझिए। संविधान के निर्माण में, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगला पॉइंट, भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है,
भारत में क्या सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो कम पूछा है, ये तो हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। भारत में क्या सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, देखिए हम संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में ही हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, कार्यपालिका, विधायिका, सब पढ़ना है। कहाँ पढ़ना, संविधान में पढ़ना है। प्रधानमंत्री भी जो काम करते हैं वो संविधान के नियम के अनुरूप ही कार्य करेंगे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी भारत में संविधान से सर्वोच्च नहीं माना गया। तो भैया समझ रहे ना, अगर प्रश्न आए इनमें क्या भारत में सर्वोच्च है, तो इनमें भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्या सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अब हम बात करें संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार की अगर हम बात करें, है ना, संविधान के प्रकार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लिखित संविधान। क्या पढ़ेंगे, लिखित संविधान आप पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान के प्रकार की बात करें तो लिखित संविधान आपको पढ़ना है। अब प्रश्न आता है कि लिखित संविधान क्या होता है, तो समझिएगा, लिखित संविधान, लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से हैं। ठीक है, जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से हैं। जैसे अगर प्रश्न आए जैसे, तो आप कहेंगे सॉरी, आप कहेंगे अमेरिका और भारत। ठीक है, अगर प्रश्न है कि लिखित संविधान क्या होता है, तो भैया जिसमें सब कुछ लिखा गया है, लिखा गया तभी तो हम पढ़ रहे हैं, लिखा ना गया तो हमें पढ़ना पड़ता, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि लिखित संविधान के उदाहरण बताइए। दो दो कंट्री होगा, आप अमेरिका भारत को टिक कर दीजिएगा, अमेरिका का संविधान भी लिखित है, भारत का संविधान भी लिखित है। ठीक है, अब दूसरा है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, ठीक, तो आप कहेंगे अलिखित संविधान, संविधान उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्रावधान, जिसमें सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित हो। ठीक है, जैसे इंग्लैंड, ठीक, नोट कर लीजिए। अगर प्रश्न आए कि लिखित संविधान का उदाहरण बताए, तो आप अमेरिका भारत टिक कर देंगे। अगर प्रश्न आए कि अलिखित संविधान क्या होता है, तो अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्रावधान लिखित रूप से ना मिले और सारे प्रावधान कैसे हों, सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित हो। कैसे हों, परंपरा पर आधारित हो, मतलब राजा है तो अगला राजा कौन बनेगा, उसका पुत्र बनेगा, ये परंपरा है, है ना। तो लिखित संविधान के उदाहरण में आपको इंग्लैंड टिक करना है। कंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन हम अमेरिका इंग्लैंड को ही कंपेयर करके आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने लिखित की बात कर ली, अलिखित की बात कर ली, संविधान क्या होता है वो पढ़ लिया, महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लिया। अब कठोर संविधान, लचीला संविधान और विकसित संविधान, निर्मित संविधान, भारत का संविधान कैसा है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा कल की क्लास में करेंगे। कल एक आपको खुशखबरी भी देने वाले हैं,
जो हमें वीडियो बनाने में मोबाइल से जो हम बनाते हैं हमको उसे अपलोड प्रीमियम पे चलाना पड़ता है ना। तो जो बस इतना है कि आपको हम खुशखबरी देने वाले हैं, अब प्रीमियम वगैरह सब छोड़ दीजिए, कल बताएंगे आपको, ठीक है, खुशखबरी कल देंगे। तो आज आप इतना पढ़िए, पूरा पूरा शुरुआत से पढ़िए, शुरुआत से हमने पढ़ाया हुआ है, वीडियो जाके देख लीजिएगा। और भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आगे बढ़ाइए आप लोग, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।